आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र भक्तकालीन काव्य साहित्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोगों को आइडिया भी होना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे हम तैयारी करें जोड़ तोड़ से। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये पिछले साल का पूरा प्रश्न पत्र है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता। मैं आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी के रूल्स जो चेंज हुए पिछले तीन चार सालों में, कि कुछ क्वेश्चन चेंज होके आने लगे, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न आने लगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं चेंज हुए। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरे यूनिवर्सिटी में नहीं चेंज हुए, आप क्वेश्चन चेंज करके बनाइए। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा कि व्याख्या करना, संदर्भ और जीवन परिचय, और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं तीन की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लोगों को एक प्रश्न है और तीन आप लोगों के इसमें दिए गए हैं, तीन ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इसकी पहले तो लिखना है संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या उसकी करनी होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें टोटल तीन आप लोगों को पद्यांश दिए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। नंबर एक ये रहा, ठीक है, उसके बाद नंबर दो ये है, आप देख लीजिए, और नंबर तीन आप लोगों को इधर मिल जाएगा, ये देख लीजिए। मैं भी स्टेप बाय स्टेप सारे के बारे में बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। चार नंबर, उसके बाद चार है ना, हाँ चार ही है शायद। ठीक है, तो चार में से आप लोगों को तीन की करना है। तो पहला आप लोग पढ़ लीजिए, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी, आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद उसकी आप लोगों को प्रसंग लिखना, उसके बाद व्याख्या। तो आप पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, या अगर ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो आई होप आप लोगों को पूरी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये आप अभी मैं पीडीएफ बता दूंगा कि कहाँ पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जायसी का प्रेम वर्णन अलौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता है, पद्मावती के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर का है, तो आप लोगों को इसका आंसर भी अच्छे से देना है। यानी कि कम से कम आप लोगों को ऐसा वो मिला के टोटल कम से कम तीन पेज तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। उसके बाद अथवा करके आप लोगों को एक ऑप्शन और मिल जा रहा है कि अगर यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि सूर के काव्य में जितनी सहृदयता है उतनी ही वाक विविधता भी, इस कथन की समीक्षा कीजिए। समीक्षा का मतलब ये होता है कि उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, यानी कि कैसे क्या होगा ये प्रोसेस कह रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भी 2.5 से 3 पेज में ही लिखना पड़ेगा, तभी 10 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे नंबर आप लोगों को नहीं देने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकाल की प्रेरक परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जो भक्तिकाल की, ठीक है, प्रेरक परिस्थितियाँ थी उनका मूल्यांकन, यानी उनको पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को लिखना है परिस्थितियों को। ठीक है, बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि विशेषताएं लिखना है, फिर उसके मूल्यांकन क्या है, तो बस वही पॉइंट वाइज पॉइंट, जब आप जो पढ़े होते हैं परिस्थितियों के बारे में उसके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना होता है, बस थोड़ा डिस्क्राइब करके, यानी कि लॉन्ग में। ठीक है, अथवा करके आप लोगों को दूसरा भी क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। 3 नंबर है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ। तो अथवा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ये देखो, अब देखिएगा ये वाला है, भक्तिकाल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, उससे बढ़िया आप लोग ये कर दीजिएगा, भक्तिकाल की जो सामान्य विशेषताएँ हैं उनका वर्णन कीजिएगा। ठीक है, 2.5 से 3 पेज में लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर में, आई होप अगर आप थोड़ा बहुत इधर भी उधर लिख देंगे तो 8-9 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। आपने अगर सीरीज़ नहीं ख़रीदा मार्केट से तो फ्रीज आ गई, यानी क्वेश्चन बैंक आप लोग परचेज कर लीजिए, उसमें पूरी डिटेल में दी गई हैं। मेरा इस वीडियो को मकसद बनाने का यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया लगे कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 नंबर, कबीर मध्यकालीन क्रांति पुरुष थे। ठीक है, क्रांति पुरुष थे, कथन की सत्यता पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रसंगिता बताइए।
तो आप लोगों को इसके क्या करना, जो कबीरदास जी हैं मध्यकालीन क्रांति पुरुष थे, आप लोगों को जैसा कि मालूम है, कथन की सत्यता पर प्रकाश डालते हुए, यानी कि क्या सत्य है, कैसे क्या उनका इस काल में उनका कैसे प्रवेश हुआ, ठीक है, उसी के बारे में आप लोगों को इसमें उनके कोई प्रसंग कोई भी होगा तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में लिख देना है, बस वही है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। अथवा करके दूसरा भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जा रहा है, भक्तिकाल के कवियों में तुलसीदास का सर्वोच्च स्थान है, इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भक्तिकाल के कवियों में तुलसीदास सर्वोच्च स्थान है, अच्छे स्थान पर हैं तुलसीदास जी हमारे, तो इस कथन की सोदाहरण यानी कि इस कथन के साथ आप लोगों को उसका सोदाहरण मतलब कि दोहा सहित उसका वर्णन करना है, यानी उनका एक दोहा भी लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आई होप आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पाँचवा क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। तो जो कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, प्रवृत्तियां तो आप लोगों को मैंने बताया ही था क्या होती हैं, उन्हीं की विवेचना आप लोगों को करनी है प्रमुख। तो आप लोगों को मालूम है कि रसखान जी, मीरा जी, सब हमारे कृष्ण भक्त धारा के कवि हैं, तो उसी के बारे में आप लोगों को प्रवृत्तियों के बारे में विवेचना करना है, यानी कि लॉन्ग में लिखना है। अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी मिल जा रहा है, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो सूफी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका आप लोगों को उल्लेख करना है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को गूगल पर भी मिल जाएंगे सर्च करेंगे, मैं ऐसा कष्ट करूँगा, आपने मार्केट से भी सीरीज नहीं ली है तो ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोगों को तीन ऑप्शन इसमें मिल जा रहे हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, इसमें से आप लोगों को एक पे टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना, ठीक है, काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो उसके जो मेन गुण हैं, ठीक है, मेन फीचर्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को लिखना है काव्य की परिभाषा देते हुए, ठीक है। और अगला ऑप्शन आप लोगों को जो है वो अलंकार के भेदों का उल्लेख कीजिए। तो अलंकार के कितने भेद हैं उनका आप लोगों को उल्लेख करना है, ठीक है। और अगला इसमें ऑप्शन जो है, काव्य के भेदों का उल्लेख करते हुए काव्य गुण का स्वरूप निर्धारण कीजिए। इसमें से जो आप लोगों को लगे कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा मालूम है, उसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोग शायद अलंकारों के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, उसी के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक तथा श्लेष अलंकारों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का आप लोगों को उसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है, क्या होती है, उसके बाद उसका लिखना सोदाहरण यानी कि उसका जो एग्जाम्पल यानी कि उसके उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है, ठीक है। परिभाषा तो लिखनी है, उसके साथ आप लोगों को उसका उदाहरण भी लिखना है, दोहा सहित उसका उदाहरण। तो ये चार नंबर का आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यमक आप लोगों को मालूम है, कनक कनक वाला याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, वही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो 7 टोटल क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 7 क्वेश्चन थे आप लोगों के, टोटल 70 नंबर के थे। कोई आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई 5 नंबर का है, तो कोई 4 नंबर का है, तो कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब आपके हाई स्कूल इंटर्न में आपने पढ़ा ही है, बस आप लोगों को थोड़ा उसे क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है, थोड़ा उसे इंक्रीज करना है, नॉलेज को बस पॉलिश करना है। तो वही सब क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में है, यानी कि थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा यानी कि स्पष्ट करके लिखना है, यानी कि उसको थोड़ा लॉन्ग में, बस यही मतलब है इन सभी क्वेश्चनों का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आपके एग्ज़ाम हो, यही मेरी कामना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पिछले साल का मॉडल पेपर था, मैंने सोचा आप तक क्वेश्चन प्रोवाइड करना जरूरी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की 100% कोशिश करते हैं। और मैंने दोस्तों एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, उसको भी सपोर्ट करिए आप लोग। और जो ये सारे क्वेश्चन हैं इनकी मैंने PDF जो बनाई है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है www.sandeepinfo.com। तो उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन BA BSc के भी और BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बहुत सारे मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी मैं वहीं पर डाल दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।